मैं आपकी आसानी के लिए वर्किंग्स को ब्रेक कर रहा हूँ। हर वर्किंग के मार्क्स हैं, आपने सिंपल वही स्टैंडर्ड सवाल आपके पास है। एक वर्किंग मेरे भाई आपने करनी है। पेपर में ना हर हर चीज के मार्क्स होते हैं, हर वर्किंग के मार्क्स होते हैं। अगर आपको पूरा सवाल नहीं आता ना, भी एक बच्चा बेचारा हमारे पास आया है, किसी और कॉलेज का रिफ्रेशर का बच्चा है, वो कह रहा है उसका ना, अच्छा आया तो वो कॉस्टिंग है, ऑनलाइन अभी बेटर है। उसने मुझे FR1 का बताया, उसका FR1 भी 3 दफा फेल हो चुका हूँ। ऐसा उस बच्चे की आदत क्या है, ही इज अ परफेक्शनिस्ट। वो कह रहा है सर मुझे 3 चीजें अगर नहीं आती ना सवाल में, बाकी 6 चीजें आती हैं, मैं सवाल नहीं करता। ये बहुत बुरी आदत है। IQAP में ये नहीं है कि आपको पूरा 100% आता है तो आपने सॉल्व करना, और ये दिस इज नॉट फॉर कॉस्टिंग, फॉर एवरी पेपर सवाल गलत हो यार, वर्किंग के मार्क्स हैं। मतलब फजूल में 3 अटेम्प्ट उसने बेचारे ने अपने जाया कर दी। तो प्लीज अगर आप भी उनमें से ऐसे हैं, बच्चियां मोस्टली होती है, ध्यान करें कि भाई अगर पक्का परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा तो हम मिस यू, ऐसा नहीं होता। IQAP का एग्जाम है, इट्स लाइक रियल लाइफ, जितना आता है वो वर्किंग पूरा करें। तो जिन बच्चों में आदत है बी वेयर, पहली वर्किंग होगी नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट, दूसरा आइटम क्या है क्वांटिटी स्केड्यूल किस फॉर्म के अंदर, टी अकाउंट फॉर्म में, तीसरा आइटम क्या होगा ईपीयू, चौथा आइटम क्या होगा कॉस्ट पर यूनिट, पांचवा आइटम होगा वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस CWIP। एंट्रीज फिलहाल के लिए छोड़ दीजिएगा, अपने पास 2 मार्क्स की वर्किंग ये आपकी, 3 मार्क्स की वर्किंग ये, 5 इसके, 3 इसके और 4 इसके, क्योंकि 2 वैल्यूज, 17 मार्क्स। अच्छा एक और मजे की बात बता दूं, ये आपको अच्छी लगेगी बात, अच्छी बात ये है। तैयब बोर्ड पे बेटा, पेपर में अगर आपने एक्सपेक्टेड यूनिट में भंड मार दिया मुस्तफा, तो क्वांटिटी स्केड्यूल गया, क्वांटिटी स्केड्यूल अगर गया तो ईपीयू भी गया, पूरा सवाल गया, इन शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। IQAP का एग्जामिनर आपके इंस्पेक्टेड यूनिट के मार्क्स कट करेगा, लेकिन जो भी इंस्पेक्टेड यूनिट के बेस पर आपने यूनिट निकाले हैं ना, उसी को यूज करके चेक करेगा कि आगे की वर्किंग सही है। अगर आगे की वर्किंग सही है तो इस सवाल में आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपने पूरा बाकी सब सही किया और कोई भंड नहीं मारा। एक और बात सुन, किसी ने ये सही कर दिया, ईपीयू खराब कर दिया, तब भी पूरा सवाल गया, कोई भी एक स्टेज आप ब्रेक कर दें। IQAP सिर्फ 3 मार्क्स माइनस करेगा, 14 मार्क्स लगेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि IQAP 3 मार्क्स भी माइनस नहीं करेगा। क्यों? IQAP बोलेगा क्वांटिटी स्केड्यूल खोलना है, इसने फिनिश गुड सही पकड़ा है, CWIP सही पकड़ा है, इसने नॉर्मल एबनॉर्मल के अंदर भंड मारा है, तो आपको इसका भी 1 मार्क जो है वो दे देगा, 15 मार्क आपके इसमें भी आ रहे हैं। ये IQAP के एग्जामिनर कमेंट्स अगर कभी पढ़े ना, तो उसमें क्लियर कट ये बात लिखी हुई है, हर एग्जाम के बाद ना कॉलेज के IQAP के साथ एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में ये पॉइंट रेज किए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट कम्युनिकेटेड हैं ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू के भाई, इन सब चीजों के मार्क्स अगर एरर कैरी फॉरवर्ड होना स्टार्ट हो जाए ना, तो आई थिंक सभी फेल हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। IQAP में एरर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अच्छा विद दैट बीइंग सेड, IQ में होता है। अभी आपके क्लास टेस्ट होंगे, क्लास क्विज होंगे, क्लास टेस्ट क्विज में चांस है कि आपको जो चेक हुआ रिजल्ट मिले उसमें कहीं ना कहीं पे एरर कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा। उसका एक रीजन ये है, ऑल्दो हम कोशिश करते हैं कम से कम करें, बड़े टेस्ट में नहीं होता, क्लास क्विज में होता है, मिड टर्म में आपको ये मसला नहीं आएगा। उसका रीजन ये होता है कि आई डोंट वांट यू टू मेक एनी मिस्टेक थ्रू आउट द क्वेश्चन, क्योंकि इस लेवल के सवाल में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्लास के माहौल में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 3.25 घंटे बैठ के एग्जाम नहीं दे रहे, आधे घंटे का आपको रिजल्ट। तो आई एक्सपेक्ट कि आप आधे घंटे के अंदर होश में हो, 3.25 घंटे में पूरे सिलेबस में बच्चा थोड़ा सा पैनिक होता है, अगर एरर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा तो इट्स मेकिंग सेंस। मेरा बच्चा ये सवाल सॉल्व करें, पूरा करें, इस सवाल की बेस पर जो क्लोजिंग की वैल्यू बनेगी
दैट विल लीड अस टू क्वेश्चन 20B and 20C जो कि ओपनिंग का होगा। तो ये सवाल करें, इसको पूरा करके हम एक छोटे ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमने ओपनिंग करना है, ओपनिंग की दो टाइप्स होती है। जल्दी से जरा प्लीज बिस्मिल्लाह करें। कितना रह गया है, जल्दी पैक करें यार, मैं तेरा ग्राउंड मार लूं क्लास में। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, रिज्यूम कर दो। मेरे बच्चों जरा बोर्ड पे देख लें क्या क्या काम किस तरह से करना है, आपको आइडिया हो जाएगा इस सवाल में। काफी लोग मैंने देखा है सॉल्व सही करके बैठे हुए फिर भी खौफ में कि सर पता नहीं है सही किया नहीं किया। तो भैया टेंशन नहीं लें, आप अपने आंसर को मैच कर लें, एरर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। आप अपनी मार्किंग इस सवाल में खुद से भी कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कही बात छोड़ दो, पेन छोड़ दो, मुबशिर मुस्तफा पेन छोड़ दो मेरे बच्चे। हाँ हीरो बोर्ड पे, इस सवाल में एक इंफॉर्मेशन ऐड कर लें, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है सवाल के ऊपर, अगले सवाल पर होगा। सवाल के टॉप पे जाके नोट कर लें प्लीज, इंग्लिश के अंदर नोट कर लें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 ऑफ प्रोसेस बी। आप बहुत ध्यान से बात सुने, अब जरा पढ़ी लिखी बातें स्टार्ट हो रही हैं, असल गेम सवाल की अब स्टार्ट हुई है, असल गेम इस पूरे टॉपिक की अब स्टार्ट हो रही है। मेरे भाई बोर्ड के ऊपर, ये मेरी फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री में बोर्ड पर, प्लीज बोर्ड पर सिर्फ दो मशीन है, ए और मैं। इस वक्त किस मशीन के बारे में बात कर रहा हूं, मशीन बी के बारे में। अगर मैं इस मशीन बी के बारे में बात कर रहा हूं मेरे भाई, इसका मतलब कि मशीन बी के अंदर दो इनपुट आते हैं, एक इनपुट प्रीवियस प्रोसेस से आता है व्हिच इज बाय डिफॉल्ट ऑलवेज एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, और एक नया रॉ मटेरियल ऐड होता है। जो माल इससे बाहर निकलता है वो क्या बन जाता है? अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर वो प्रोसेस थ्री में भी जा रहा होता, आउटपुट बोलते थे बात एक ही। ये मशीन बी का जो डेटा मैंने आपको दिया है, ये किस महीने का है? अच्छा अप्रैल का, अप्रैल 2023। आज क्या डेट है बॉस? 6-7 तारीख है, 7 तारीख है। हम इस वक्त एक हफ्ते बाद महीने की क्लोजिंग कर रहे हैं। तो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन आपने बनाई है, ये क्या है? ये अप्रैल के महीने की क्लोजिंग है। याद रखना, महीने चेंज होते रहेंगे, मशीन तो अपनी जगह वहीं पे खड़ी रहेगी। ये अब असल कॉन्सेप्ट आपका यहां पे आना स्टार्ट हो गया। वर्किंग नंबर वन सॉल्व करते हैं, आप लोगों ने सॉल्व की होगी, आए बारी बारी चेक कर लें। वर्किंग नंबर वन वॉज नंबर ऑफ टेस्टेड यूनिट्स। मुझे बताएं मेरे भाई, क्या अप्रैल के महीने में कोई ओपनिंग था इस सवाल में? इस सवाल में किसी किस्म का ओपनिंग नहीं था। अच्छा, आपने इनपुट कितना किया? इनपुट एक आपने किया है मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस, एक आपने किया है न्यू, प्रीवियस प्रोसेस से आपने ऐड किया 10,000 और नए प्रोसेस से आपने ऐड किया 10,000। टोटल इनपुट मशीन के अंदर कितना है? 20,000 का। क्या ये बात क्लियर होती है यहां पे? अच्छा मुझे बताएं, टेस्टिंग हो किस स्टेज के ऊपर रही है? 70% के ऊपर। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, 70 पे लिखा हुआ है, यहां पर आ गया। सर मेरे पास क्लोजिंग के कुछ यूनिट्स पड़े हुए, कितने यूनिट्स है मेरे पास क्लोजिंग के? 4,000। अच्छा, क्लोजिंग कितना परसेंट है? अगर मैं मशीन बी को जरा डायग्राम लंबी कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि मशीन बी के अंदर जो लॉस डिटेक्शन पॉइंट है इट इज एट 70%। ऐसा ही नॉर्मली होता है कि यहां से एक मटेरियल ऐड होता है और वो मटेरियल यहां से पार होता 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 70% पर आता है, यहां से लॉस बाहर आ जाता है। लॉस बाहर आने के बाद क्या होता है? अब जो मटेरियल बनता है ना, वो सारे का सारा क्या बन जाते हैं? तो आज से पहले हर सवाल में लॉस वर आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ प्रोसेस, इस सवाल में लॉस इज आइडेंटिफाइड एट 70%। बहुत सारा इनपुट मैंने किया, बहुत सारा आउटपुट बाहर आया, 70% पे हुआ टेस्ट। अच्छा, एक माल मैंने और ऐड किया था महीने के स्टार्ट में ही, वो यहां से होता 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 यहां से गुजरा और यहां पर आके रुक गया। क्यों रुक गया? मशीन तो बननी हुई, महीना वेट हो गया। तो
30 अप्रैल की रात को जब मैंने मशीन का खाता खोला तो पता चला क्लोजिंग में तो यूनिट पड़े हुए 4000 जो 80% कंप्लीट हुए हुए। अब मेरा एक सवाल, ये क्लोजिंग का जो 80% है, डायग्राम देख के तो क्लियर कट हो गया, टेस्ट हुआ हुआ है कि नहीं हुआ? इसका मतलब जब ये अगले महीना, अप्रैल के बाद अगला महीना कौन सा है? मार्च, शाबाश, उल्टा जा रही है। अप्रैल के बाद मई, सर जब मई की क्लोजिंग कर रहा हूं तो इसमें मजीद नया लॉस बाहर नहीं आएगा, दिस इज ऑलरेडी टेस्टेड। अगर ये टेस्ट हो गया है इसका मतलब ये 4000 यूनिट इस इनपुट के अंदर शामिल है। इस इनपुट में बहुत सारी चीजें शामिल है, इस इनपुट में फिनिश गुड्स भी शामिल है, फिनिश गुड इज ऑलवेज टेस्टेड, लॉस होने के बाद ही पता चला। इस फिनिश गुड में क्लोजिंग भी शामिल है और इस फिनिश गुड में नॉर्मल लॉस भी शामिल है। मुझे क्या मालूम करना है? टेस्ट यूनिट का मतलब है मुझे लॉस मालूम करना है, तो मुझे क्लोजिंग को अब चेक करना पड़ेगा। क्लोजिंग इस लास्ट महीने में, अगर आप लास्ट क्वेश्चन में जाकर देखें तो लास्ट क्वेश्चन में क्लोजिंग वॉज अनटेस्टेड, तो क्योंकि अनटेस्टेड था तो आपने कहा इनपुट में से बाहर निकाल दूं। अभी टेस्ट नहीं हुआ, अगले महीने होगा, इस महीने बाहर निकालूंगा। इसका मतलब इस महीने की वर्किंग में मैं अपनी इस वर्किंग में जाके लिखूंगा डैश, मैं कुछ माइनस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे वर्किंग सिर्फ यहां पे ऐसे शो नहीं करनी कि माइनस नहीं करना, मुझे इसके आगे शो करना है मैंने माइनस क्यों नहीं किया। बिकॉज सी डब्ल्यू आई पी इज टेस्टेड, तो आपने क्लोजिंग के दोनों केस देख लिया आज, सिंपल एज दैट। अगर क्लोजिंग टेस्टेड होगा तो यहां पे जाके माइनस होगा, और अगर क्लोजिंग उल्टा बोल दिया, अगर क्लोजिंग अनटेस्टेड होगा तो यहां पे जाके, और अगर क्लोजिंग टेस्टेड है तो इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, निल आएगा, डैश आएगा। क्या ये बात क्लियर? इसका मतलब टोटल टेस्टेड यूनिट महीने में थे कितने? सर सारे के सारे यूनिट जो मैंने ऐड किए ना, सबके सब टेस्ट हो गए। बेटा इंपॉर्टेंट बात ये फॉर्मेट की नहीं है, मैं आपको चाहूं तो याद भी करवा सकता हूं 6 सवाल देकर, आपको इसके तौर पर याद कर लोगे, लेकिन याद ना करो, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखो। जब वो अनटेस्टेड थे तो मैंने माइनस कर दिया कि भाई कम यूनिट हुए टेस्ट, उसमें से बात होगी। अब तो सबका सब हो गया टेस्ट, अगर क्लोजिंग 80 पर है इसका मतलब क्लोजिंग भी टेस्ट हो गया 4000, और बाकी 16000 फिनिश गुड सब टेस्ट हो गया, जितना लॉस आना था ना इस महीने में सामने आ गया। सर इसका लॉस कितना बनता है, परसेंटेज क्या है? कितना बन रहा है? क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? कितने लोगों ने ये वर्किंग डिट्टो बिल्कुल सही की है? वेरी गुड। जिन लोगों ने मिस्टेक किया उन्होंने क्या मिस्टेक किया? कितने लोगों ने यहां क्लोजिंग माइनस किया? वेरी गुड। अब जिन लोगों ने क्लोजिंग माइनस किया ना, खास तौर पे बोलो अपने रजिस्टर में जाए प्लीज, जिस जगह से आपने क्लोजिंग माइनस किया है वहां पे जाके एरो बना के नोट करें, ये गलती बहुत काम की आपके लिए। जिन्होंने नहीं की कॉन्ग्रेचुलेशन, अगले सवाल में इंशाल्लाह हो जाएगी। लिखें जाके अपने रजिस्टर में जिन्होंने मिस्टेक किया, सिंस क्लोजिंग, सिंस सीडब्ल्यूआईपी वॉज टेस्टेड, सिंस सीडब्ल्यूआईपी वॉज टेस्टेड, देयरफॉर वी विल नॉट रिड्यूस देम फ्रॉम इनपुट यूनिट्स। सिंस सीडब्ल्यूआईपी वॉज टेस्टेड, वी विल नॉट रिड्यूस देम फ्रॉम टेस्टेड। प्लीज ये सवाल याद रखना, इसकी बेस पर ओपनिंग बनेगा। हाँ भाई, हो गया ये? अब बोर्ड पर ध्यान से, दिस वॉज वर्किंग नंबर वन, मेरे पास स्पेस नहीं है, मिटा रहा हूं इसको मैं। वर्किंग नंबर टू, हाँ भाई वर्किंग नंबर टू किस चीज की है? मैं इसको टी अकाउंट की फॉर्म में बना रहा हूं, जरा बोर्ड पे रहें, चेक करते रहिएगा प्लीज। अच्छा भाई, मटेरियल मैंने दो ऐड किए, प्रीवियस प्रोसेस एंड न्यू, 10 यहां आया, 10 यहां आया। फिनिश गुड बेटा कितने सवाल में? 12000। नॉर्मल लॉस कितना है? 2000। क्लोजिंग कितना है? 4000। जरा बैलेंस करें कहां से शॉर्टेज आ रही है, एंड नॉर्मल लॉस आ रहा है कितने का? ये भी 2000 है। क्या ये बात क्लियर होती है?
तो आपने नोट कर लिया है, आज के बाद ये वर्किंग तो आप किया करते थे, अब क्योंकि टेस्टिंग अनटेस्टेड का सीन आ गया है तो आपने इसको जो है यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। अब नॉर्मल लॉस जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो आएगी। एक सवाल बोर्ड के ऊपर, मेरा बच्चा बोर्ड पर देख लो प्लीज। अगर यहाँ पे नॉर्मल लॉस 2000 के बजाय मिसाल के तौर पे 6000 आ जाता तो क्या होता? 12 6 18 18 4 22, इसका मतलब 2000 का क्या बन जाता? सारी कहानी वैसे ही मूव करती। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा, बहुत ध्यान के साथ, बहुत ध्यान के साथ प्लीज। इस सवाल में लॉस आइडेंटिफाई कब हो रहा है? ये बातें आपके ईपीयू के ऊपर इंपैक्ट डालती है। मटेरियल कब ऐड हो रहा है? पिछले सवाल में भी मैंने इसको हाईलाइट किया था, इस सवाल में भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। कर कब रहा हूं? वर्किंग नंबर टू के बाद, ईपीयू से पहले। अब मैं ईपीयू और सब कुछ पूरा करने जा रहा हूं बिल्कुल वैसे जिस तरह आपने पहले सॉल्व किया हुआ है। मटेरियल न्यू, कन्वर्जन कॉस्ट टोटल, बेटा स्क्रैप अभी आएगा, स्क्रैप का इस पर कोई इंपैक्ट है नहीं फिलहाल। यहां पर आ गए फिनिश गुड्स, कितने हैं दोस्त? 12,000। नॉर्मल लॉस आपने खुद कैलकुलेट किया है कितना है? एबनॉर्मल लॉस आपकी कैलकुलेशन की बेस पर आया है कितना है? जिन बच्चों ने यहां पर मिस्टेक की है परेशान होने की बात नहीं है, जो वैल्यू आपने लिखी हुई है ना नॉर्मल एबनॉर्मल की, उसकी बेस पर जो आपने ईपीयू बनाया है, अगर ईपीयू के रूल्स फॉलो किए पूरे मार्क्स हैं उसके, 5 मार्क का ईपीयू है तो पूरे मार्क्स आपको इस चीज के मिल रहे हैं। आपके अपनी वर्किंग से फर्क नहीं पड़ रहा, एग्जामिनर ये देख रहा है इसको ईपीयू बनाना आता ही नहीं आता। अब ये देख लो सिर्फ अपने आंसर में ईपीयू के रूल फॉलो किए नहीं किए, दैट्स इट। अगला आइटम क्या है? कितना है दोस्त? जरा इसके टोटल को चेक कर लो, हिसाब किताब हिल तो नहीं रहा सर? 20,000 पूरा बन रहा है ऐसा? अच्छा, फिनिश गुड में तो फटा ही नहीं है। फिनिश गुड का तो मतलब यही है, ये हर एस्पेक्ट से पूरे हैं ऐसे ही। अच्छा, क्लोजिंग के बारे में बात कर लो। मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, किस मटेरियल के बारे में बात कर रहा है? नए वाले के बारे में? पुराने वाले के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? अगर वो भी शुरू में ऐड हुआ है तो मटेरियल तो आपने शुरू में ही ऐड कर दिया। ये लोग क्लोजिंग कितना परसेंट है? तो कन्वर्जन कॉस्ट के साथ से कितना हो गया? अच्छा, नॉर्मल लॉस तो हम फिलहाल ऐड नहीं कर रहे। अभी ये भी एक केस आएगा जहां मैं आपको बताऊंगा, जब अनटेस्टेड टेस्टेड का सीन होता है तो नॉर्मल लॉस भी कभी कभार ऐड होता है, लेकिन वो फड्डा इतना बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा फड्डा है, उसकी वजह से नया फड्डा खुल जाएगा। एबनॉर्मल लॉस मटेरियल का ऐड हो रहा है, बिगनिंग कब ऐड हो रहा है? बिगनिंग लॉस आइडेंटिफाई कब हो रहा है? 70% पर। इसका मतलब मजदूर ने कितना काम किया होगा? सर क्यों? सिंपल सा हल है, जब मुझे पता चल गया, कैमरा मोड़ भाई, यहां पर कि मेरे पास 2000 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हो रहे हैं, तो मैं उनको मशीन के अंदर तो नहीं रखूंगा, उठा के बाहर फेंक दूंगा। जब मशीन के बाहर फेंक दूंगा तो जब वो बाकी पूरे हो रहे होंगे तो उस पर मजीद लेबर, मजीद बिजली, ओवरहेड खर्च नहीं करने पड़ेंगे। लॉस आइडेंटिफाई होना अच्छी बात है, जितना जल्दी हो जाए। हाँ भैया, कितने कितने बन गए? 18,000, 600। अच्छा जी, मेरे भाई कॉस्ट आपको दी हुई है कितनी कितनी है? 6,19,000। पक्की बात है? 6,19,000, 8,01,000, 1,40,500 ऐसे ही है? इसमें से माइनस करते हैं स्क्रैप। हाँ भाई, स्क्रैप की वैल्यू कितनी बन रही है मुझे बताएं प्लीज। अच्छा यार, थोड़ा देख के बताएं प्लीज, ये जरा खौफ करें। स्क्रैप की वैल्यू कितनी बन रही है दोस्त? 15 रुपए। 15 का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू बन गई है 30,000 की। कहां से करूं माइनस? कहीं से भी करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे पास इसकी भी कॉस्ट आ गई, इसकी भी कॉस्ट आ गई, इसकी भी कॉस्ट आ गई 140,500, 6,19,000, कितना बन रहा है? 771 बनता हुआ ऐसे ही। अच्छा, कितने लोगों ने ईपीयू
सही बनाया हुआ, सही से मुराद जिनका रूल फॉलो करके बनाया वो भी सही है, नॉर्मल एबनॉर्मल के अंदर आपको इश्यू होगा। अच्छा कितने लोगों ने कॉस के अंदर स्क्रैप की कॉस को माइनस किया हुआ है? 30,000 ही आ रही है तो सबने सही किया होगा, ये आधे मार्क्स का है लेकिन फ्री के मार्क्स आएगा, पेपर में हर स्टेप के मार्क्स नहीं आता, पूरा सवाल को खुश करना स्टार्ट करो। सर अगला आइटम मेरे पास मेरे बच्चे बन रहा है कॉस्ट पर यूनिट का 771,000, जिससे पूछो वो बताए, पीछे वाले बताए यार, ये सबसे पीछे बच्ची बैठी थी। 771,000 डिवाइड बाय 18,000 2 point something, तो मैं कैसे लिखूं 2 point something 2.78 नहीं यार, 771,000 डिवाइड बाय 18,000 2.78 नहीं बनता, 42.83। ओके ये क्या नाम है तुम्हारा, भूल गए नाम, भूल गए थे, बेंगा नहीं हूं मैं, हाँ हंजला नहीं, हंजला के पीछे अनस भाई बताएं, 6,19,000 डिवाइड बाय 18,000 34.,  सही बता रहे हैं? हाँ भाई शाजली, 1,40,500 डिवाइड बाय 16,600, सब लोग कैलकुलेटर का भरपूर इस्तेमाल करें, 1,40,500 डिवाइड बाय 16,600 8.46, तीनों को ऐड कर दे प्लीज, 34.39, 8.46, 42.87, 85. इसको मल्टीप्लाई कर दे 12,000 से, कितना ऐसे ही है? अच्छा जी अब जिससे पूछूंगा वो बताए, सब लोग जरा कैलकुलेटर हाथ पे रख के बैठे प्लीज। अगली वैल्यू मेरे भाई आपके पास है एबनॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल लॉस 2000 मल्टीप्लाई में 42.87, बताओ क्या चीज, 42, भाई 42.87 मल्टीप्लाई बाय 2000 85 समथिंग, दो नंबर सही बोलते हो तुम लोग, बाकी मुंह में 85,714 यही कहां बोल रहे हो तुम, 40 खैर उर्दू में बोले 4000 मल्टीप्लाई बाय 34.39, हंजला 4000 मल्टीप्लाई बाय 34.39 ये हुई ना बात, 1,37,560 और 8.46 मल्टीप्लाई बाय 1400 8.46 मल्टीप्लाई बाय 1400 नॉर्मल लॉस के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो 11,044 तीनों को ऐड कर मेरा भाई 85,740 137,560 11,884 कितना बन गया दोस्त, बहुत सारा 2,144 ऐसा सही हो गया, कोई मसला तो नहीं कैलकुलेशन में। सर आखिरी आइटम है, सब लोग पेन छोड़ दें जरा कैलकुलेटर हाथ में लें, क्योंकि इस आखिरी आइटम के बारे में मैंने एक रिक्वायरमेंट ऐड करनी है, रिक्वायरमेंट आपके पास ऐड हुई है 5, 5वीं रिक्वायरमेंट क्या थी, छठी रिक्वायरमेंट ऐड करें प्लीज, एबनॉर्मल लॉस है क्लोजिंग नहीं है ये क्या यार जाहिल लोग हैं कसम से, ये वाला 2000 मल्टीप्लाई बाय 34.39 2000 मल्टीप्लाई बाय 34.39 कितना आ रहा है 780, इससे इस वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ रहा है 1,02,96। सर रिक्वायरमेंट नंबर 6 सेट करें प्लीज, रिक्वायरमेंट नंबर 6 सेट करें, एक्सप्लेन ब्रीफली, एक्सप्लेन ब्रीफली द कंडीशन ऑफ CWIP, एक्सप्लेन ब्रीफली द कंडीशन ऑफ CWIP टू इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर, टू इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर, एक्सप्लेन ब्रीफली द कंडीशन ऑफ CWIP टू इन्वेंट्री कंट्रोल,
आपसे बोल रहा है यार मशीन का इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर है, उसका काम है सारा स्टॉक चेक करना। अब सारे स्टॉक में वेयर हाउस का फिनिश गुड भी आ रहा है, रॉ मटेरियल भी आ रहा है और WIP भी आ रहा है, उसको जरा बता दो कि कितना माल पड़ा हुआ है। आए क्लोजिंग की वैल्यू निकालें, रिक्वायरमेंट नंबर 5 भी पूरी कर रहा हूँ और 6 भी साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ बोर्ड पर। खुदा का वास्ता है पेन छोड़ दें प्लीज, खुदा का वास्ता है पेन छोड़ दें, कैलकुलेटर बाहर निकालें और रजिस्टर बंद कर दें, रजिस्टर बंद कर दें प्लीज, रजिस्टर बंद कर दें। आप लोगों में उंगली है, आप तो हर थोड़ी देर में रजिस्टर कर छापना स्टार्ट कर देंगे। बंद कर दो रजिस्टर, बंद कर दे रजिस्टर प्लीज, शादी भाई रजिस्टर बंद कर दें जरा बोर्ड पर कैलकुलेटर के साथ। भाईजान 2 मिनट के लिए फोन छोड़ दें, 2 मिनट बाद उसको गुड मॉर्निंग बोल दीजिएगा बोर्ड पर। CWI सर कितने यूनिट से क्लोजिंग है, टोटल यूनिट कितने हैं और यहां कितना लिखा है, क्यों लिखा है? चार हजार। एवरीथिंग इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ दी, इसका मतलब ये 100% कंप्लीट है, एग्री करते हैं? दोबारा पूछ रहा हूं, यहां चार लिखा है, यहां चार लिखा है, ये इस बात की निशानी है। अभी तो आप आंसर सॉल्व कर रहे हैं, कल को अगर कोई आपको आंसर दे दे बोले बैकवर्ड मूव करो, तो आप बैकवर्ड मूव करके बोल सकते हैं भाई ये 100% कंप्लीट है। अच्छा यहाँ कितना लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये भी पूरा का पूरा एड है। क्या अगले महीने में, मई के महीने में जब ये क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा, तो क्या इसमें मजीद मटेरियल ऐड करने की जरूरत है? सर एवरीथिंग इज एडेड एज पर दी बुक्स। अच्छा यहाँ कितना लिखा है और ये 4,000 है, विच मीन्स के दिस इज हाउ मच, 80% कंप्लीट। अगले महीने जब ये जाएगा, अगला महीना कौन सा है, मई का, मई के महीने में ये कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा होगा, 80% तो कंप्लीट है, अगले महीने कितना रह जाएगा, रिमेनिंग 20% पर काम होगा, तो जो कॉस्टिंग होगी वो रिमेनिंग 20%। वेरी गुड, ये कॉन्सेप्चुअली एब्सोल्युटली करेक्ट। आए जरा वैल्यू निकालें, पर यूनिट कॉस्ट बनती है मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस 42.80 रुपए मल्टीप्लाई बाय 4,000, इसकी कॉस्ट बनती है 34.40 रुपए मल्टीप्लाई बाय 4,000, इसकी कॉस्ट बनती है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 3200। हाँ दोस्त बोलना स्टार्ट करो, जरा 1,71,480, 1,37,560, 27,072, तीनों को ऐड करना जरा प्लीज, 3,35,952। ये मैं यहां गया मेरे बेटे और मैंने यहां जाके ऐड कर दिया 3,35,952। आप अकाउंट क्लोज करेंगे ना, राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस को छोड़ के आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मैं आपसे एंट्री पास नहीं करवा रहा, मुझे पढ़ के सुना दो, क्या नाम तुम्हारा आजकल, अबे हमेशा से क्या नाम है तुम्हारा, हसन, हसन भाई ये एंट्री पढ़ के सुना दो, लिखी हुई है आपके सामने, लिखी हुई है पढ़ दे बस। अरे यार बशीर पढ़ के सुना दो एंट्री, फिनिश गुड अकाउंट डेबिट WIP अकाउंट, वैल्यू भी बोलने की जरूरत नहीं है यार। मुन्ना नॉर्मल लॉस की एंट्री पढ़ के बना दो, नहीं बनती तब नहीं बनती जब भाप बन के उड़ रही होती है, जानू बनेगी इधर, वेरी गुड। स्क्रैप अकाउंट डेबिट WIP अकाउंट, मैं कैश की एंट्री पास नहीं करवा रहा, कैश की एंट्री सही बच्चे से पास करवाई। अनस 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 अब नॉर्मल लॉस की एंट्री पढ़ दो, नहीं पता क्या सामने लिखी हुई है, अबे व्हाइट बोर्ड की स्पेलिंग अगर पूछूंगा तो बोलोगे नहीं पता है, व्हाइट बोर्ड सामने, ग्लासेस मेरे भाई, क्या नाम तुम्हारा, अब्दुलरहमान, अब्दुलरहमान अब नॉर्मल लॉस की एंट्री पढ़ के सुना दो यार, जो है वो यही पढ़ा हुआ है, शाजली एंट्री पढ़ के सुना दो यार, WIP अकाउंट क्रेडिट किसके अगेंस्ट, तो अब नॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा यार, पढ़ के सुनानी है एंट्री मेरे भाई, क्या हो गया तुम लोगों को। चलो और आसान कर देता हूं, और आसान कर देता हूं, मटेरियल की एंट्री तैयबा पढ़ के सुना दो, डेबिट बिल्कुल सही है, न्यू मटेरियल हाँ भाई कितनी वैल्यू आ रही है, 6,19,000, हाँ भाई पढ़ के सुना दे, मटेरियल क्रेडिट कन्वर्जन कॉस्ट कितने से, 1,40,500, बिल्कुल सही है। हंसला भाई CWIP की एंट्री नहीं हो रही, इसकी एंट्री नहीं है, क्यों, ये कौन सा महीना है,
अगले महीने किस चीज का है? अगले महीने में मैं क्या लिखूंगा? डब्ल्यू आई पी अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी फॉर द मंथ ऑफ, यहां पे एंट्री का फैलू। वेरी गुड, कितने यूनिट्स हैं? 4,000। कितनी वैल्यू है? 3,35,952। ऐसा ही ये तो जाएगी बुक्स के अंदर, लेकिन आपको सिक्स रिक्वायरमेंट में बोला क्या गया है? आपको सिक्स रिक्वायरमेंट के अंदर बोला गया है, एक सेकंड, आपको सिक्स रिक्वायरमेंट के अंदर बोला गया है इन्वेंटरी मैनेजर को CWIP एक्सप्लेन कर दो। कर दो एक्सप्लेन, क्या मसला है इसके अंदर? तो रिक्वायरमेंट नंबर सिक्स, इन्वेंटरी मैनेजर आपके पास आएगा, बोलेगा हाँ भाई मशीन के अंदर कितना माल रखा हुआ है? आप बोलेंगे बॉस मशीन के अंदर माल रखा हुआ है 4,000 किलो। वो अगला सवाल पूछेगा यार इस 4,000 किलो की वर्थ क्या बन रही है? आप अगले सवाल का जवाब देंगे भाई इस 4,00,000 किलो की वैल्यू बन रही है 3,35,952। वो आपसे अगला सवाल पूछेगा इस 4,000 का कंप्लीशन क्या है, क्योंकि मैंने अगले महीने इसको मशीन में दोबारा ओपनिंग में काम करना है। आप उसको बोलेंगे इस 4,000 में प्रीवियस प्रोसेस का मटेरियल 100% कंप्लीट है। कैसे पता चला? वो लिखा भाई पी। आप उसको बोलेंगे इस 4,000 में नया रॉ मटेरियल भी 100% कंप्लीट है। वो बोलेगा ओके टेक टेक। वो बोलेगा इसका मतलब नया माल ऐड नहीं करना। लेकिन आप उसको बोलेंगे हाँ इस 4,000 में कन्वर्जन कॉस्ट, ये इंफॉर्मेशन देख के उसको बात समझ में आ जाएगी कि अगले महीने मैंने क्या काम करना है। अगले महीने कोई नया रॉ मटेरियल इसमें ऐड नहीं करना, अगले महीने सिर्फ और सिर्फ लेबर और ओवरहेड खर्च होगा 20% और। बात क्लियर हो गई? फिर उसने सवाल और पूछा, उसने कहा ये तो ऑपरेशन मैनेजर के लिए, जो बंदा ऑडिट करवाएगा उससे ऑडिटर एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि ये 3,35 बन किस तरह से रहा है, इस 3,35 का ब्रेकअप दो। आप बोलोगे 3,35 का ब्रेकअप इस तरह से बन रहा है भाई कि इस 3,35 में मशीन ए का मटेरियल खर्च हो रहा है 1,71,480, खर्च हो रहा है नया मटेरियल जो हमने पूरा का पूरा ऐड कर दिया 100%, कितना? और इसमें 80% कन्वर्जन कॉस्ट खर्च हुई है, जिस 80% की वर्थ बनती है 27,000। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन मैनेजर के काम किया, ये इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटेंट के काम किया। सिंपल, उसकी 4,000 यूनिट्स की वैल्यू ये बनती है अलोंग विद एन एक्सप्लेनेशन। तो वो जो आपने छठी रिक्वायरमेंट लिखी है, ये उस छठी रिक्वायरमेंट का आंसर है। ये सवाल एंड हो गया, कोई सवाल है इसके अंदर? मैं आगे मूव करने जा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात सुन, ये जो आपने क्लोजिंग लिखा है ये अगले महीने क्या बन जाएगा? सो इट मींस कि अगर मैं यही सवाल कंटिन्यू करूं, क्वेश्चन 20 पार्ट बी प्रोसेस बी फॉर द मंथ ऑफ मे, तो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देने की जरूरत मुझे नहीं है आपको। दैट इंफॉर्मेशन इज, बट दैट वॉन्ट बी CWIP एनीमोर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से बात सुनना, पहली क्लास है और आपको अभी आखिरी जब सवाल सवाल करोगे ना पास पेपर का, ये बात लेक्चर खोल के दोबारा चेक कर लेना। ये OWIP एग्जामिनर पेपर में इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में देता है, लेकिन एग्जामिनर को कभी कभी जब मस्ती होती है ना, तो एग्जामिनर इंफॉर्मेशन में ये देकर ये तो आपको दे देगा, आ जाएगा। कभी ज्यादा मस्ती हो गई तो ये देके ये तो देगा, खा जाएगा। ऐसा करने के भी रीजंस हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपनी पॉलिसी। सर हमें कैसे पता चलेगा? पेपर में लिखा हुआ होगा। एक पॉलिसी कहती है फीफो मेथड से सॉल्व करो, एग्जामिनर का फेवरेट मेथड है, बहुत आया हुआ है पेपर में, 80% क्वेश्चन में फीफो मेथड आया। दूसरा मेथड बोलेगा एफको मेथड सॉल्व करो, पेपर में मुस्तफा ये बात लिखी हुई होगी। तैयबा कभी कभार एग्जामिनर को अगर और मस्ती हो गई तो ये बात खा जाएगा। इस तरह का ये खा जाएगा तो पेपर में क्या करे? अकड़ पकड़? नहीं 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 ना ना ना, ये काफी लोग ये बोलते हैं फीफो कर लो, फीफो नहीं कर लो। असल में इस मेथड में ना
ये इंफॉर्मेशन इस मेथड में, ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है और इस मेथड में ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है। अगर एग्जामिनर ने दोनों इंफॉर्मेशन आपको दी है तो पेपर में दी हुई तो है, बोलेगा फीफो मेथड, आपके काम की इंफॉर्मेशन ये और ये है, ये नहीं है। और अगर बोलेगा एफको मेथड, तो ये इंफॉर्मेशन दी तो है, ये इंफॉर्मेशन दी तो है, लेकिन काम की ये वाली है। तो बेसिकली एग्जामिनर कभी कभार पॉलिसी मेंशन करने के बजाय इनमें से कोई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन खा लेता, जो एग्जामिनर का बेसिकली इशारा है कि अगर मैंने ये खा लिया है फीफो मेथड यूज करो, अगर मैंने दूसरा खा लिया है तो एफको मेथड यूज करो। आधे से ज्यादा सवालात में पॉलिसी मेंशन होती है, नए सवालात में तो है, लेकिन अगर कभी एग्जामिनर पॉलिसी मेंशन ना करे तो डिफॉल्ट फीफो मेथड नहीं है, डिफॉल्ट डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन की बेस पर। अच्छा पता, याद करने की जरूरत ही नहीं है, अभी एफको और फीफो करोगे ना, इस इंफॉर्मेशन के बगैर एफको हो ही नहीं सकता, विदाउट दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एफको हो ही नहीं सकता। तो अगर पेपर में ये इंफॉर्मेशन ब्लाइंड है, इसका मतलब क्या है, और इस इंफॉर्मेशन के बगैर फीफो नहीं हो सकता, इसका मतलब कि फिर आपके पास क्लियर कट बात आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने पास रजिस्टर में जाएं, ये नोट करने के बाद ये भी नोट करने के ओपनिंग के दो मेथड होते हैं। नाउ वी आर यूजिंग दिस रीकैप क्वेश्चन 20A जो है ना, सारे कॉन्सेप्ट का रीकैप है और यही से ओपनिंग बिल्ड हो रहा है। तो नाउ यू आर इंटीग्रेटेड विद प्रीवियस 19 क्वेश्चंस। अब जो आपने सवाल सॉल्व करने हैं वो एक ही लाइन के अंदर जाएंगे, ओपनिंग करके हम डायरेक्ट पास्ट पेपर के अंदर जंप मार रहे होंगे। जल्दी से छाप लें इसको प्लीज। यस।